शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तेरा मेरा गाना। चलो गौरव, चलो हम गांव चलते हैं और अपना गौना पूरा करते। इसी दूर भर दो हमारी मांग और कर दो गौना पूरा। नहीं भरनी हमें तुम्हारी मांग, नहीं करना हमें ये गौना। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, हम इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं, तो मेहरबानी करके इस रिश्ते का सच किसी को मत बताना प्लीज। तुम रिश्तों के नाम ही अपनी सहूलियत के हिसाब से देने लगे। हमका ये भी बता दो, इन सब में हमरी भी कोई अहमियत है कि नहीं? तुम इतना कब बदल गए गौर? बदलना पड़ता है गहना, ये दुनिया ऐसी ही है, क्योंकि ये दुनिया जज्बात से नहीं पैसों से चलती है, और वक्त के साथ ना बदलने वाले को यहाँ बेवकूफ समझा जाता है। ये बात हम पहले समझ जाते ना तो आज हमारे अपने हमारे साथ होते। हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहे गहना, बस तुम्हारा हाथ थामने से इनकार कर रहे हैं। पत्नी का दर्जा नहीं दे पाएंगे, पर महादेव कसम हम दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नहीं चाहिए तुम्हारी ऐसी दोस्ती और ऐसा मतलब का रिश्ता जो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलने लगता है। जा रहे हम गांव, संभाल लेंगे हम खुद को। नहीं गहना, गांव वापस नहीं जाने देंगे, तो तेजा वहां तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कभी देखे नहीं है हम, पर माँ ने बताया है उसके बारे में। उस नीच के पास हम तुम्हें दोबारा नहीं जाने देंगे। जब रिश्ता ही नहीं निभा रहे हो तो हमारी जिंदगी का फैसला लेने का भी अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम्हारा वहां जाना कौन करा रहे आए थे हम, जो तुम नहीं करना चाहते। हमारा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। तुम्हारा वहाँ जाना भी खतरे से खाली नहीं है गहना। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है, यहीं कहीं होगी वो। चालाकी दिखा रही है, घर के अंदर ही लुका छुपी खेल रही है। इस गहना को मोहरा बना ही रहे हो तो कुछ ऐसा कांड कराओ इससे कि उर्वशी खुद ही घर छोड़ दे, ताकि हम इस घर की रानी बन जाए।
गौरव, गौरव जब तुम्हें ये रिश्ता ही नहीं मंजूर था तो हमरे मांग में ही सिंदूर काहे लगाए? ये हमने नहीं भरा, गलती से लग गया होगा, अभी मिटा देते हैं। तुम्हारी नजरों में हम भले ही दोस्त हैं, लेकिन तुम हमरा सुहाग थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे। कौन अनजाने में ही सही, ये सिंदूर हमरी मांग में है, इसका मतलब यही है कि इस रिश्ते की उम्मीद अभी भी है, इसकी लौ अभी खत्म नहीं हुई। कहना तुम बस, तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया, अब जो करना है वो हम करेंगे, क्योंकि अभी हमारी जिंदगी है और फैसला भी हमरा ही होगा। माफ कर दो गहना, पर तुम्हें ये सच बताना जरूरी था हमारे लिए। अगर हम तो प्रणाम मम्मा, कैसी हो? हमारी छोड़ो, ये बता गहना मिली? हाँ मां, गहना मिल गई है। शुक्र है महादेव का, तुम दोनों मिल गए। हमें ना बड़ी चिंता हो रही थी, अब हम सुकून से मर पाएंगे। अम्मा, अम्मा कहाँ हो गया? ऐसी बातें काहे कर रही हो और इतनी खांसी काहे हो रही? कुछ नहीं, ये डॉक्टर लोग ना जरा सीने में दर्द हो जाए ना तो हजारों को दवाई दे देते हैं। कमबख्त लोग कहते हैं कि हमारा दिल कमजोर हो गया है, ज्यादा दुख तकलीफ ना दे अपने आप को, परेशान ना हो, ये सभी कहते हैं। खैर वो छोड़ो, मेरी जरा गहना से बात करा दो, एक बार आवाज सुन लेंगे ना तो दिल को तसल्ली हो जाएगी बेटा। गहना से बात करवा देते हैं अम्मा की, ताकि इन्हें थोड़ा बेहतर लगे। क्या हुआ, बात करा दो ना मेरी। अम्मा अभी गहना बाथरूम में गई है, जैसे ही आएगी तो हम बात करवा देंगे। ठीक है। ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? तुमका कौनो मतलब है का हमसे? हम कहीं भी जाए तुम्हें उससे कहा? फालतू बात मत करोगे ना, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वो तेजा को तुम्हारी इज्जत के साथ हमें रोकने का कोई हक नहीं है तुम्हें गौरव। कहना,
अम्मा का फोन आया था, तबीयत खराब है उनकी। डॉक्टर ने बोला है कि उनका दिल कमजोर हो गया है, अभी भी खांस रही थी वो। उनको ये सब पता चला तो बहुत गजब हो जाएगा कहना। ये सदमा बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है वो। हमारे मिल भर जाने से इतना खुश है कि तुमसे बात करना चाहती है। अपने गौरव के लिए, तुम्हारे वादे के लिए जो हमने तुम्हारी माई से किया था, तुम्हें हमेशा खुश और हिफाजत से रखने का वादा। माई की तबीयत खराब है, वो हमसे बात करना चाहती है। फोन लगाओ उनका, हम बात करेंगे उनसे। नहीं अभी नहीं, तुम ऐसे बात करोगी तो वो फौरन समझ जाएंगी कि तुम परेशान हो। तो आप क्या करें? हमारी बात मान लो कहना, प्लीज रुक जाओ, अम्मा के खातिर रुक जाओ। गौरव तो अपना वचन भूल गया, तुमको अपना वचन निभाना है। तुम्हारा गौना होना भी बाकी है। तुम्हारे वादे के लिए जो हमने तुम्हारी माई से किया था, तुम्हें हमेशा खुश और हिफाजत से रखने का वादा। नहीं भरनी हमें तुम्हारी मांग, नहीं करना हमें ये गौना। इस रिश्ते का सच किसी को मत बताना प्लीज। गौरव तो अपना वचन भूल गया, तुम्हारे वादे के लिए जो हमने तुम्हारी माई से किया। नहीं भरनी हमें तुम्हारी मांग, तुम्हारा गौना। नहीं करना हमें ये गौना। तुम्हारे वादे के लिए जो हमने तुम्हारी माई से किया, हमेशा खुश और हिफाजत से रखने का वादा। ठीक है। हम रुक जाएंगे गौरव। लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? हमारी ये शर्त है कि माई को सारा सच तुम खुद बताओ। हम माई को धोखा नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कि माई दुखी हो, और ना चाहते हुए भी वो होंगी। उसका हम कछु नहीं कर सकते। गौरव, अगर तुमने माई को सच नहीं बताया ना, तो हम ना ही रुकेंगे, और तुम हमका रोक भी नहीं पाओ। हमारे बापू को छोड़ दो। हमारे बापू को छोड़ दो, हमारे बापू को छोड़ दो। बापू को छोड़ दो, बापू, हमारे बापू को छोड़ दो। कहीं गौरव को फिर से वही सपना तो नहीं आ रहा? बापू को छोड़। गौरव, तुम मेरे पास हो, सब कुछ मेरे पास है।
जानते हैं गौरव, तुम रात में अक्सर सपना देखकर डर जाते हो। गुड मॉर्निंग उर्वशी मैडम, जल्दी जल्दी वेकअप करिए। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी ब्यूटी स्लीप खराब कर रही हूँ, लेकिन एक मिनट सी करिए कि मुझे क्या मिला। आइए फ्रेंड्स, आप लोग की मॉर्निंग चटाकेदार बनाते हैं। अरे ठीक है ठीक है। गहना, तुमने क्या तय किया है, तुम रहोगी या चली जाओगी? हमारी बात मान लो गहना, प्लीज रुक जाओ, हम माफी खाते रुक जाओ। इंसाफ रुकेगी तो तब जब मेरे सवाल का जवाब देगी। ये क्या है गहना? कोई तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? ऐसा क्या किया है तुमने गहना? सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया है कि कोई तुम्हें इस कदर ढूंढ रहा है? तुमने किसी के पैसे चुराए हैं या गहने, या फिर किसी का बच्चा? जवाब दो मुझे गहना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। क्या है तुम्हारी असलियत?
पापा, मैंने पुलिस स्टेशन में फोन करके बख्शी अंकल की हेल्प से इस लड़की की पुलिस रिपोर्ट निकलवाई और जानते हैं कि मुझे क्या पता चला कि ये लड़की पटना की है ही नहीं। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझसे पूछ लिया होता। गहना ने मुझे बताया था कि ये पटना से नहीं है बल्कि किशनगंज गांव से है। और रियली मां, तो इस लड़की ने आपको ये भी बताया होगा कि वो वहां से यहाँ क्या करने आई थी? ऐसा क्या कांड किया इस लड़की ने कि पूरे शहर में इसके पोस्टर्स छपे हैं? अब पुतला बनकर क्यों खड़ी हो? जवाब दो, ननन जी कुछ पूछ रही है तुमसे। कहीं तेजा तो हमें ढूंढते हुए नहीं आ गया है? हमें ढूंढने के लिए ये पोस्टर गौरव ने लगाए थे? नहीं भरनी हमें तुम्हारी मांग, नहीं करना हमें ये गौना। अरे नहीं मानते हम बचपन की उस शादी को, हम तो आज भी तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानते हैं। और हम तुम्हें अपना पति मानते हैं गौरव। हम ये रिश्ता नहीं निभा सकते गहना। मेरे पास तुम्हारे लिए वेस्ट करने के लिए सारा दिन नहीं है, तो टेल अस, वरना मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। पुतला बनकर क्यों खड़ी हो? देखो अभी तुम जल के मरते मरते बची हो, अब जेल जाओगी ना तो डंडे खा के मरोगी और वहां पर कोई बचाने भी नहीं आएगा, इसलिए चुपचाप बता दो कि तुमने क्या कांड किया। आप लोग ये मैटर आपस में निपटा लीजिए ना प्लीज, हम चलते हैं। माँ मेरी बातें शायद इस लड़की की कानों तक पहुंच नहीं रही है, जरा आप पूछ के देखिए ना, शायद जवाब मिल जाए। गहना, हम तुम पर शक नहीं करेंगे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अगर तुम चुप रहे तो हमारे विश्वास पर प्रश्न उठेंगे। बता दो सबको क्या बात है, कौन तुम्हें ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है? नहीं भरनी हमें तुम्हारी मांग, नहीं करना हमें एक और। अरे नहीं मानते हम बचपन की उस शादी को, ये रिश्ता नहीं निभा सकते गए। गेट आउट। मैडम जी, और जिसे भी इस लड़की के साथ हमदर्दी है वो भी इस लड़की के साथ घर से बाहर निकल सकता है। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, एंड दैट फाइनल। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।